नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा। बोर्ड स्पेशल मेरा चला हुआ है, जनवरी का मंथ चला हुआ है और मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है फिजिक्स के क्लास टेंथ साइंस में। फिजिक्स के दो न्यूमेरिकल आपको पता होगा 100% आने वाले, तो मैं आपको बताने आया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप बच्चों वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए मेरे चैनल पर, यानी कि रामरूप शर्मा चैनल पर और वशिष्ठ एकेडमी चैनल पर। दोनों पर बहुत सारी वीडियो इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथमेटिक्स, साइंस की पड़ी हुई हैं। आप कोई भी वीडियो देखें, ये ध्यान रखें तो पिछली जो साल की वीडियो हैं उन्हें देख के आप ये नहीं सोचें कि 2020 में ये नहीं आएगी, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज बिल्कुल भी नहीं हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 मिलियन मेरा टारगेट है, वो सब आपके हाथ में है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ बनाता रहूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं सबसे पहले चलता हूँ लाइट पर। तो लाइट पर तीन टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन होगा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और वो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर दूर कन्केव मिरर से, यानी कि मिरर से ही, चाहे तो कन्केव से आए चाहे तो कॉन्वेक्स से आए। रे डायग्राम आप पहले जरूर बना लें इन क्वेश्चंस को करने से पहले। और उसकी फोकल लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, तो आपको उसकी पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन और हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन बहुत आसान हुआ क्योंकि मिरर का एक ही फॉर्मूला है, आप जानते होंगे। यू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। एफ की वैल्यू, क्योंकि कर्ण केव मिरर है, इसका मतलब है एफ की वैल्यू नेगेटिव होगी जो भी कुछ दिया हुआ है। वी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, फॉर्मूला एक ही है, 1/F = 1/V + 1/U, सिंपल सा LCM होता है। जरूर करें, मैग्निफिकेशन भी निकालें क्योंकि मैग्निफिकेशन का सिंपल ही फॉर्मूला है M = H2/H1 या -V/U, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, वैसे तो ये क्वेश्चन 100% ही आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको चॉइस में भी आ सकता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी होती है जो लाइट रे को जितना बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल या बियॉन्ड द नॉर्मल। तो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत आसान है, N = C/V। N का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V का जो मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो 2.25 दी हुई है, C की वैल्यू हमें पता ही है 3×10⁸ होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन के भरोसे बच्चे बिल्कुल ना रहे, यानी पावर ऑफ लेंस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, दो स्टूडेंट हैं और उन दोनों के आंख में जो चश्मा है उसके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है +50 और -50, दोनों की पावर निकालनी है और पावर आप आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखे। अब आप दूसरी तरफ चले इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि एक क्वेश्चन लाइट से आएगा और दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से जरूर आने वाला है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिसिटी से देखने को मिल सकता है। ये दो रेसिस्टेंस हैं जो पैरेलल लगे हुए हैं और इन दोनों का पहले आप नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2, और फिर तीसरा, और ये दोनों मिलाकर सीरीज में हो जाएंगे, तो फिर आप नेट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस AC के अक्रॉस और AB के अक्रॉस, ओम्स लॉ से, यानी कि V = IR से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाला है। फिर करंट बताना है आपको, इधर और इधर क्या करंट है, यानी कि यहाँ तो करंट हमें पता है 1 एम्पियर करंट है, ठीक है ना, करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, तो दोनों में, क्योंकि दोनों को रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। इसी के साथ अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका रेजिस्टेंस से आ सकता है। एक ही फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, R = ρ L / A, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो वायर हैं, एक वायर ए है, दूसरा वायर बी है, और दोनों की लेंथ दी हुई है और उनके रेडियाई भी दिए हुए हैं। एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ए मतलब एरिया, क्योंकि सर्कुलर एंड है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो πr² = 1 होगा। दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है और दोनों की ही रेसिस्टिविटी आपको यहाँ पर निकालनी होगी। ध्यान रखना है रेसिस्टिविटी आप निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि दोनों वायर सेम मेटल के बने हुए हैं, इसका मतलब है कि रेसिस्टिविटी दोनों की सेम होगी।
चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि अगर ये क्वेश्चन इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन आ सकता है तो वो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बताना है कि 176 जो ओम है वो टोटल हमारे पास में यानी कि रेसिस्टेंस है, तो सबसे पहले यहां से आप रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको हीट से भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि हीट जितनी यूज हुई है तो यानी ये जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी का जो फॉर्मूला है वो जरूर आप याद करके रखें, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको मतलब कितनी हीट कंज्यूम हुई है या कितनी हीट डिसिपेट हुई है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर करके चलें। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी की आप कर लेते हैं तो 100% आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब दूसरों से कराते रहिए, आपने किया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।